मारने के लिए तलवार की जरूरत नहीं है, मारने के लिए गन बंदूक की जरूरत नहीं है। आप अपनी हरकतों से मार दे रहे हैं अपने वालिदैन, आप इतना सता रहे हैं कि वो बेचारे जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनके वो फुलफिल नहीं हो रहे हैं, वो डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, उससे डायबिटीज आता है, उससे हाइपरटेंशन आता है, उससे हार्ट अटैक आता है। बच्चों की वजह से कई वालिदैन मर गए हैं। यकीन जाने मौत तो आनी आनी है, लेकिन सबब आप बन गए हो। आज 15 साल का बच्चा थोड़ा 6 फीट पे क्या चला गया, एक्सरसाइज करके थोड़े आर्म्स वार्म्स ट्राइसेप्स क्या बना लिया, वो वालिद पे ही हावी हो जा रहा है। जिंदगी ऐसी नहीं जीनी है हमें। आने वाले जमाने में आपके बच्चे खतरनाक होने वाले हैं, खून खून के आंसू रोएंगे आप, तब आपको पता चलेगा कि मैंने कितना परेशान किया मेरे अब्बू को। यहाँ ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं, ऐसे बच्चियां भी बैठे हुए हैं, उनके पेरेंट्स ने मुझे कॉल किया और वो कौन बच्चे हैं कौन बच्चियां हैं उन्हें बखूब पता है कि अपनी बाप को गलत लैंग्वेज से बात करता है, अपनी बाप की इज्जत नहीं है उसके दिल में, वो इंसान की कोई जगह ही नहीं है इस जमीन पर, जीना जीना ही नहीं है ऐसे बच्चों का जो अपने वालिदैन को, अरे सोचो उनकी वजह से आप हो आज, आज आप जो कपड़े पहने हो वो अपने वालिदैन की देन है, आज जो खाना खा रहे हैं आपने अपने वालिदैन की वजह से खाना खा रहे हो। एक भिखारी जाकर अंतड़ियां सूख जाते हैं, दर बदर भटकता रहेगा एक रोटी के लिए, आपने कभी ऐसा किया है? मोहल्लों में जा जाकर खाना भीख मांग कर खाया है आपने? ऐसा नहीं किया, आपको अपने वालिदैन ने खिलाया। क्या आपको नजर नहीं आते रोड पर दीवाने लोग सोए हुए, उनके कोई पूछने वाला नहीं है, आपको पूछने वाले आपके वालिदैन है, लेकिन आपको कोई इज्जत नहीं है, वालिदैन के लिए कोई जगह नहीं है। रो रो कर कॉल करते हैं मुझे, रो रो कर फोन करते हैं। वालदा जब रोती है टूट जाता है दिल मेरा। कोई माँ बिहार से रोती है, कोई माँ दिल्ली से रोती है, मुझसे बात नहीं करता है मेरा बच्चा, बदतमीजी करता है, लहजा सही नहीं है, किसके साथ में पकड़ लेंगे रोजे कयामत में अल्लाह सुभान व तआला। माँ से जरा ये लहजा था बात करने का, तो माँ के साथ नहीं तो मेरे साथ भी नहीं, दर बदर भटकते रहोगे, जन्नत की तलब करते रहोगे, नहीं मिलेगी। मैं गुजारिश करता हूं प्यारे बच्चों से, इबादत के बाद सबसे ज्यादा फोकस आप अपने वालिदैन पे करिए। वो कितने साल जिएंगे? अगर कोई 25 साल का नौजवान बच्चा है, 30 साल का नौजवान बच्चा है, तो बमुश्किल 15-20 साल आपके वालिदैन जिएंगे, सेहत हो तो जिएंगे 80-90 साल, लेकिन आज के जमाने में कहां सेहत है, मार दे रहे हैं बच्चे। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, ये बीमारियों से मरते हैं, तो उसमें जो बच्चे परेशान करते हैं तो डिप्रेशन होता है ना, तो एक साइलेंट किलर हो गए आप लोग। मारने के लिए तलवार की जरूरत नहीं है, मारने के लिए गन बंदूक की जरूरत नहीं है, आप अपनी हरकतों से मार दे रहे हैं अपने वालिदैन को, आप इतना सता रहे हैं कि वो बेचारे जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनके वो फुलफिल नहीं हो रहे हैं, वो डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, उससे डायबिटीज आता है, उससे हाइपरटेंशन आता है, उससे हार्ट अटैक आता है। बच्चों की वजह से कई वालिदैन मर गए हैं। यकीन जाने मौत तो आनी आनी है, लेकिन सबब आप बन गए हो। सबने मरने आना है यहाँ पर, हर इंसान मरेगा एक दिन, लेकिन उनकी मौत के सबब रीजन आप प्लीज आप ना बने। अल्लाह से दुआ मांगते रहें आप लोग रोजाना कि या अल्लाह मेरे सर पर मेरे वालिदैन का साया हमेशा रख या अल्लाह, मेरी कामयाबी उनको दिखा या अल्लाह। ये दुआ करें आप लोग, रोज दुआ करें, एवरी डे करें, हर नमाज में करें आप लोग, फिर अल्लाह की मदद भी आएगी, वालिदैन क्या खुश होंगे। वो दाल रोटी खाकर खुश रहेंगे अगर आप उन्हें नहीं सताते हैं। आज सब तौबा कर लें आप लोग, जितने भी लोग अपने वालिदैन को सता रहे हैं, उनको पहचान नहीं पाए, उफ तक नहीं बोलने को कहा अल्लाह ने, कुरान में कहा प्यारे बच्चों कि उफ भी नहीं कहना है अपने वालिदैन को, उफ तेरी हाइट थोड़ी सी क्या बढ़ गई वालिद से, वालिद पर चढ़ने लगा तो, जिम जाकर थोड़ा सा स्ट्रांग क्या हो गया, वालिद पे हाथ उठाने लगे बच्चे। आज कॉल्स आते हैं मुझे, वालिद डरता है, देखो मेरे बच्चे को कुछ मत बोलो, बहुत गुस्सा है उसको करके। ये वालिद की जुबान ऐसी होनी चाहिए, मेरे बच्चे को समझाओ, उसको सही रास्ते पे ले आओ। आज बोल नहीं सकता, बाप डरता है बेटे से, थोड़ा सा सर जरा प्यार से समझाओ, मेरे बच्चे को बहुत गुस्सा है। इज इट द लैंग्वेज ऑफ फादर? पहले दौर के जो वालिदैन थे, 40 साल के भी जो बाप होता था उसको भी बीवी बच्चे होते, लेकिन वो अपने अब्बू से इतना डरता था। पहले के लोग क्या लोग थे माशाल्लाह। आज 15 साल का बच्चा थोड़ा 6 फीट पे क्या चला गया, एक्सरसाइज करके थोड़े आर्म्स वार्म्स ट्राइसेप्स क्या बना लिया, वो वालिद पे ही हावी हो जा रहा है। जिंदगी ऐसी नहीं जीनी है हमें।